हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस विद अक्षिता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता है, मैं कुछ दिन पहले ही नरोरा गई थी और अचानक से वापस भी आ गई हूँ वहाँ से। तो कुछ टाइम पहले तो मैं ससुराल के लिए आई थी अपना दिल्ली, दादा ससुर की डिमाइस में, लेकिन अब वहाँ से नरोरा जाना पड़ा और नरोरा से अचानक से वापस भी आ गई। नरोरा तब गई थी मैंने, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया था वहाँ पर, क्योंकि मैं सोच रही थी रहने देती हूँ। मेरी बेटी की ना तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। जितना भी यहाँ गई मैं यहाँ से, तबीयत तो उसकी थोड़ा ससुराल में थी तभी ठीक नहीं थी, पर जब नरोरा चली गई तो उसकी तबीयत तो कुछ और ही डाउन होती चली गई। मैंने सोचा व्लॉग ना बनाऊँ, कुछ व्लॉग का टाइम भी नहीं लग रहा था इसकी तबीयत में। और मुझे लगा रहने देती हूँ, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी तबीयत ना दिन पे दिन डाउन ही होती जा रही थी वहाँ पे। मैंने नरोरा के जो हमारा जो हॉस्पिटल है उधर सोसाइटी वाला जो है उसमें भी काफ़ी दिखाया, पर इसको तो आराम ही नहीं पड़ रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी। और कैनूला वगैरह लग गया था, मतलब तबीयत फीवर हो गया था इसको, फीवर और कोल्ड कफ, ये सब तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही। वायरल फीवर था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा लिया था इसका। जब नहीं उतर रहा था, उतर जा रहा था फिर हो जा रहा था, तो इसका ब्लड वगैरह टेस्ट कराया तो उसमें वायरल फीवर ही आया था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसकी कफ की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, तो उसके लिए इसको नोबलाइज वगैरह भी कराया था। 4 दिन तक तो ठीक किया इसने, पर बाद में नहीं कराने दे रही थी बिल्कुल भी, तो वो भी हटा दिया। और क्या कहते हैं, कुछ दिन बाद तो ना इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। जैसे गला इसका बहुत ज़्यादा, जो कफ है ना, एकदम पेन हो गया था गले में, बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रही थी, गले से नीचे नहीं जा रहा था ऐसे। तो मैंने सोचा अब तो ज़्यादा ही तबीयत लगता है कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, क्योंकि आराम तो पड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी और दिन पे दिन डाउन ही होती जा रही थी। फिर वहाँ से मैंने रेफ़र करा के अपना जो हमारे पैनल में जो हॉस्पिटल आते हैं ना उसमें रेफ़र करा लिया मैक्स के लिए, और फिर कुछ दिन बाद ही आ गई थी। वैसे तो मम्मी आ गई थी मेरी, भाई और मम्मी लेने आ गए थे मुझे वहीं पे ही, तो भाई के ही साथ आ गई थी मैं यहाँ गाज़ियाबाद अपनी मम्मी के घर। और अभी मॉर्निंग का टाइम था ये, वहाँ से हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी रेफ़र जो हुआ था, तो मैं और भाई जा रहे हैं यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल के लिए लिया था। वैसे तो उन्होंने 2 हॉस्पिटल लिखे थे, जो भी पैनल में आते हैं मर्ज़ी होती है वो 2 का लिख देते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप किस में दिखाना चाहते हो, फोर्टिस है या फिर मैक्स है। तो मैंने मैक्स में इसको दिखाया, क्योंकि अधिकतर ना यहीं दिखाती हूँ मैं, और क्या है घर के पास भी है। पास तो खैर यहाँ से हमारे सारे ही हॉस्पिटल लग जाते हैं, जितने भी दिल्ली के या फिर गाज़ियाबाद के आते हैं तो वो पास में ही पड़ जाते हैं। दिल्ली से भी ससुराल है तो, और मायके से भी गाज़ियाबाद में, तो बीच में ही पड़ जाता है सब कुछ। तो मैक्स के लिए कराया था, और अभी मैं टाइमिंग है उसकी 10 बजे से, तो मैं और मेरा भाई मॉर्निंग में ही हम दोनों ही आ गए थे यहाँ पे दिखाने के लिए। हस्बैंड तो थे नहीं साथ में, उनकी हॉलीडेज़ नहीं थी, तो मम्मी के साथ ही भाई के साथ ही मैं यहाँ आ गई थी। और अभी हॉस्पिटल के अंदर ही आ चुके हैं। ये मैक्स जो है ना, ये वैशाली वाला है मैक्स, और भी जगह पे है हॉस्पिटल लेकिन ये वाला वैशाली का है। तो यहाँ पे बस नंबर वगैरह ले रखा है, ले रही थी मैं यहाँ पे, और जिया के तो यहाँ पे एक बना रखा था ना खेलने के लिए बच्चों के, तो उसमें खेलना शुरू कर दिया और बस बैठी हूँ मैं, मेरा नंबर आने वाला है थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे ये वाला जो ऊपर का जो ये पोर्शन है, ये पता नहीं कौन सी फ्लोर है मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये सारा बेबीज़ का ही है, मैटरनिटी पोर्शन है शायद। और ये वाला, ये जो एक्वारियम है, ये मेरे पहले व्लॉग में भी अधिकतर आपने देखा होगा कि हमारा ये ना मैक्स ही हम लोग आते हैं अधिकतर, क्योंकि एक बार मेरी ननद आई थी तब भी हम इसी वाले पर, ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर कह रही सॉरी, फ्लोर नहीं पता मुझे कौन सा है, लेकिन इसी फ्लोर पर थे हम तब भी, यही एक्वारियम था उसमें व्लॉग में। और अब भी ये यहाँ पे बहुत प्यारा, इस बार तो इसमें फिशेस बहुत कम थी, ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, वरना पहले वाले पहले टाइम पे आई थी ना जब मेरी ननद का बेटा हुआ था, यहीं पर हुआ था वो हनी, तो तब बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर। तो बस अभी हॉस्पिटल में ही बैठी हूँ मैं, नंबर का वेट कर रही हूँ, मेरा नंबर कब आएगा अक्षिता को दिखाने के लिए।
और अभी आ गई थी घर पे, तो घर पे ये बादाम रखे थे अक्षिता के, कुछ भीगे हुए। मैं रात को ना भिगो देती हूँ उसके लिए बादाम, सुबह को मॉर्निंग में 4 बादाम उसको शुरू कर दिए हैं अब फिर से, कि बीच में ना उसने खाने छोड़ दिए थे जब तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो अभी उसको बादाम दे रही हूँ यहाँ पे, ये मॉर्निंग में नहीं खा पाई थी। और अभी बना रहे हैं उसके लिए बेसन का हलवा बना रहे हैं, ये बेसन का और आटे का मिक्स है। तो इसका मन हो रहा था, खुद से ही बोलती है, मतलब बोल रही थी कि मेरे को बेसन का हलवा खाना है। तो उस हॉस्पिटल से आने के बाद बनाया था, और दोपहर में मैंने बनाया था इसके लिए दलिया। तो आजकल जो भी उसको बहुत थोड़ा थोड़ा जो उसका मन हो रहा है ना वही खिलाना पड़ रहा है। इनको चाहिए पिस्टिक, इसको पिस्टिक देनी है, अभी दे रही हूँ। मैंने हल्की सी लगाई थी तो उसे भी पिस्टिक चाहिए। और हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि पहले मैं उसे पिस्टिक दे देती हूँ फिर। तो बस ये इसका ना दलिया बन के तैयार हो गया है। अभी वो बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रही है, बहुत ही ज़रा ज़रा सी, जो भी उसका मन करता है ना वही बनानी पड़ती है। जैसे कभी कुछ खाती थोड़ा सा, लेकिन उसे लगता है कि कुछ डिफरेंट, जैसे बेसन का हलवा, उसे बेसन के लड्डू पसंद हैं, तो अचानक से उसको याद आया होगा कि हलवा भी खाना है उसने। और अभी दलिया बना दिया था मैंने, दोपहर के टाइम में उसे दलिया खिलाऊंगी। इस जो तबीयत खराब हो जाती है ना बच्चों की, फिर तो ये मान लो बहुत ही मुश्किल से खिलाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि जुकाम वगैरह कोल्ड कफ है, तो उसको टेस्ट भी नहीं आ रहा किसी चीज का भी। आपकी तबीयत बहुत ही मुश्किल से कि दवाई देनी है या फिर खाना है उसके लिए, उसको बहुत तरीके से या फिर इधर उधर कुछ ना कुछ जैसे कार्टून वगैरह दिखा के, क्योंकि खाना पीना तो ना बिल्कुल छोड़ दिया था इसने। बहुत ही एक दिन तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया, अगर खाएगी नहीं तो मैं दवाई भी नहीं खिला पाऊँगी ना, तो इसलिए इसको बहुत ही मना के कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा, जो भी इसने हाफ कटोरी खाया होगा दलिया भी बहुत थोड़ा थोड़ा खा रही है, जो भी अब लिमिट हो गई है ना खाने की। परेशान हो गई मैं तो, मतलब ये कुछ नहीं खा पी रही थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना, दवाई खाती है, दवाइयाँ भी बहुत मुश्किल से खाती है ये। और मैं बाहर भी गए थे ना, मैं और मेरा भाई, तो कुछ इसके लिए मैं डॉल भी लेके आई थी, इसको डॉल की बहुत पड़ रही थी। दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत प्यारी सी डॉल है और एक गुड्डा है, गुड़िया। और ये मेरे को कफ पसंद आ गया था वहाँ पे, ये वाला वाइट कलर का, आई लव कॉफ़ी लिखा है इस पर, तो मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था वाइट कलर का और रेड उससे लिखा है तो पसंद आ रहा था। गुड इवनिंग, अभी शाम हो गई है, मैं उठी सो के और अभी सारे घर में सो रहे हैं, क्योंकि दोपहर में उन्होंने काम किया था आज काफ़ी घर का, उस साफ सफाई का। तो सिस्टर भी सोई है और मैं भी सो के उठी थी, जिया भी सो रखी है, और मैं बनाऊंगी अभी टी। चाय पीने का मन कर रहा है ना, तो अभी मैं सोच रही चाय बना लेते हैं शाम को। शाम को चाय जरूर चाहिए होती है, मम्मी तो जरूर पीती है शाम की चाय। तो चलो पहले मैं मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठी है मेरी सिस्टर और मम्मी बैठी है, चाय पियोगी? हाँ पीऊंगी। चाय पीनी है? हाँ मैं भी। तो इन दोनों को भी चाय पीनी है, जाती हूँ किचन में। You have a moment, and this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing. Do you feel the rhythm all the way? मैंने तीनों के लिए बना दी, मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए और अपने लिए। तीन ही हम पियेंगे,
भाई तो पीते नहीं है शाम के टाइम भी, भाई का तो मूड है मतलब सुबह सुबह को पी, उनका ऐसे ही है सुबह को पी नहीं पी, मन करता है तो पीते हैं। बस मैंने तीनों के लिए टी बना दी और अभी लेके जाऊंगी। और जिया पता अभी सो रही है, अभी उसको नींद बहुत आ रही है क्योंकि एक हफ्ते से खांसी में वो ज़्यादा सो नहीं पाई थी, तो अब अपनी नींद अब पूरी कर रही है, थोड़ा सा आराम पड़ा है ना उसको तो अब सो रही है। मैं एकदम घबरा गई थी पहले कि इतना सो क्यों रही है, ये दवाई खा के एकदम से सो जाती, तो अब तो थोड़ा ठीक है और आराम से उसको नींद भी आ जा रही है, क्योंकि 3-4 दिन तो वो बिल्कुल नहीं सोई थी रात में खांसी की वजह से, तो वो नींद शायद वो अब पूरी कर रही हो। तो चलो मेरी चाय बन गई, हाँ शाम की चाय का ना बड़ा वो रहता है। तो गाइज़ यहाँ मेरी बन के टी तैयार हो गई है और आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और इस टाइम पे बरसात के टाइम पे हल्की हल्की बारिश है यहाँ पे, मायके में तो मैं आई ना तो बारिश ही हो रखी थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो शाम को काफ़ी अच्छा लगता है टी पीना। आप भी बनाइए पीजिए और खुश रहिए। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। और ये वाले जो गुड्डे गुड़िया है ना, ये मैंने बताए थे आपको खिलौने टॉय, तो बहुत सुंदर लग रहे थे ये वाले जिया लेके आई थी। उसे तो बस मतलब ऐसे बेबीज टाइप के होते ना छोटे छोटे, वो बहुत पसंद है। तो इस तरीके के हैं, कुछ दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी एक की आंखें ब्लू हैं और एक की थोड़ी ब्राउन है। तो चलिए यही था ब्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।